तो अभी हमारा असाइनमेंट है MES 42। लास्ट वीडियो में हमने 41 असाइनमेंट कर लिया है कवर, तो ये हमारा लेटेस्ट असाइनमेंट है 23-24 के स्टूडेंट्स के लिए। और इसकी ज़्यादा डिटेल आप इसके क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अवेलेबल है। और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो इस तरह से दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है, तो कलर का कंफ्यूज मत होना। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कहते हैं कि मैडम हमने तो असाइनमेंट से देख के किया है, तो इस तरीके से मैं पहले ही बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द क्रिटिकैलिटी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, एम्प्लॉय रीसेंट इंस्टेंसेज टू अंडरस्कोर योर एनालिसिस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी या कंट्रीज़ या नेशन में जो होती हैं वो सब आपको एनालाइज करनी हैं और उनके एग्जांपल्स बताने हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, जिस तरीके से आपको आंसर भी बड़ा ही करना होगा। तो फर्स्टली यू कैन डिस्क्राइब अबाउट एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं, देन उसके बाद किस तरह से इसकी फाउंडेशन रखी जाती है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। आंसर आप पॉज करके भी लिख सकते हो वीडियो को, बिकॉज़ हमारे पास टाइम की बहुत लिमिटेशन रहती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टाइम से टाइम आपके लिए वीडियो लाते रहें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट पे चाहिए वीडियो, और जो असाइनमेंट आपको कहीं मिल भी नहीं रहा है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। सो प्रमोशन ऑफ सोशल कोहिजन, काफ़ी इजी लैंग्वेज में आंसर है, तो अगर आप पॉज करोगे तो पढ़ भी सकते हो, पढ़ के लिख भी सकते हो आराम से। देन एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अच्छा जिस देश में या जिस कंट्री में अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो करेगी। जस्ट लाइक वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, गवर्नमेंट स्टीमुलेट इनोवेशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस दिया जाएगा। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग यानी स्किल बेस्ड कोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और ना सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही यही है। और वोकेशनल ट्रेनिंग तो इतना इम्पोर्टेंट कर दिया, बिकॉज अगर आप एजुकेशन भी लेते हैं, कोई डिग्री भी लेते हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस तरह से चेंज हो रहा है, इंडिया भी काफ़ी बदल रहा है, जिस तरह से पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना सिस्टम चेंज हो रहा है, जैसे AI आ गया अब तो, और उससे पहले भी आप देखोगे कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो स्किलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी बार देखा गया है ये चीज़ें। तो इसमें काफ़ी सारे देखो टाइप्स भी हैं जो आप बता सकते हो, रीसेंट इनिशिएटिव्स आपको बताने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए एग्जांपल अच्छा सेट रहेगा। इसके अलावा 2-3 गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, अगर याद होती है तो दैट वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको एग्ज़ाम में भी एक तरी अगर देखो एग्ज़ाम में असाइनमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। असाइनमेंट बनाते समय आप जो भी पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको जिस तरीके से स्टडी करते हो, एग्ज़ाम में भी आपके उससे हेल्प मिलती है। देन हमारे पास आ गया सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। देखिए कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम क्या हम डायरेक्ट कॉपी कर लें, तो डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए, कुछ अपना ऐड ऑन कीजिए। जैसे मान लो आपने स्टडी कर लिया ये पैराग्राफ, तो उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप आराम से। कई बार देखो ये असाइनमेंट क्या है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम टाइम में लिखना होता है, आप आराम से टाइम लो, आराम से लिखो, आराम से सबमिट करवाओ। और अगर आपसे असाइनमेंट बनने में थोड़ा भी कोई इशू आ रहा है, जैसे कई बार स्टूडेंट जॉब करते हैं और कई बार कहीं और डिग्री कर रहे होते हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो फॉर दैट हम हैंड रिटन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदर दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका पॉइंट वाइज आंसर दिया गया है, आप भी पॉइंट वाइज लिखें, और ठीक है पूरा डीप इनटू आपको जाना रहता है, और इजीली आपको सारे जो है एग्जांपल्स को भी इसमें लिखना होता है, यही आपको एग्ज़ाम्स में भी करना है। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट,
तो इसमें एक सर्व शिक्षा अभियान है जो लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसमें आप देखोगे काफ़ी सारी और भी इनिशिएटिव उसके साथ लाए गए थे। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो यहाँ तक हमारा ये असाइनमेंट फिनिश होता है। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन सर्व शिक्षा अभियान। इवॉल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन योर स्टेट, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट डेलिनेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इनिशिएटिव इन योर स्टेट। योर डिस्कोर्स शुड इनकम्पास एन एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम्स ऑपरेशनल डायनमिक्स एज वेल एज इट्स कॉन्स्ट्रेंट्स इन फुलफिलिंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सिंथेसाइज्ड फाइंडिंग टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ इफेक्टिवनेस एंड चैलेंजेस। बेसिकली आपको क्या करना है देखो इस क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। सर्व शिक्षा अभियान आपको बताना है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपके स्टेट में। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन जैसे मैंने अभी इस आंसर में लिख रखा है दिल्ली के बारे में, तो जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं यानी वो अपना असाइनमेंट दिल्ली में सबमिट कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये आंसर ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट जैसे जम्मू कश्मीर के हैं या जो तेलंगाना काफ़ी अलग अलग स्टेट के हैं तो वो अपने स्टेट का नाम लिखें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको अपने स्टेट का लिखना है। तो ये कंफ्यूज आपकी यहाँ से दूर हो चुकी है। और अगर आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती बच्चों को तो वो कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, अगर आपको सीखनी है रिपोर्ट राइटिंग तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दें, हम आपको उसके सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या देखो इम्पैक्ट हुए हैं सर्व शिक्षा अभियान के, काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट देखा गया था एनरोलमेंट में, डेवलपमेंट हुआ है अच्छा खासा। देन यहाँ पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग को काफ़ी अच्छा बल मिला था, देखने को मिला था कि भाई ये लोग काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम करेंगे। देन उसके बाद करिकुलम का रिफॉर्मेशन हुआ था। देन इसके चैलेंजेस क्या क्या आए थे वो आप इसमें वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कई कई जगह पे स्टेट नेम दिया गया, यहाँ पे स्टेट नेम लिख देना आप, जहाँ आपका दिल्ली हो मुंबई हो जहाँ का भी हो आप अपने स्टेट का नाम लिख देना यहाँ पे। देन हमारा यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है जिसमें हम इसको कंक्लूड करते हैं पूरा का पूरा, तो वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि अगर आपको हैंड रिटन से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं या ऑर्डर भी देना है कि आप नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए हैंड रिटन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको, कई सारे स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अगर बना के दोगे तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स आपके खुद के हैंड्स पे रहते हैं। इसके अलावा और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो आप।